ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इट इज़ अ अरेंजमेंट टू यूज़ कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या आपका एक अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के सिंपल तरीका होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें ये क्योंकि इसमें अगर कुछ रेशियो के फॉर्म में होते हैं, जैसे यहाँ पर अभी मैं बताऊंगा आपको, जैसे पी ओपन क्यू इक्वल टू आर ओपन है, ये रेशियो के फॉर्म में होते हैं, तीन इसमें पता होते हैं और चौथा आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, तो काफ़ी सिंपल होता है। और इसका जो प्रिंसिपल है देख लीजिए क्या कहता है, प्रिंसिपल क्या है देखो, इट इज प्रिंसिपल क्या है, इट स्टेट्स दैट, ठीक है, प्रिंसिपल क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस देन नो करंट विल पास थ्रू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये प्रिंसिपल इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब पी अपॉन क्यू यानी पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस जब होगा तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होती होगा। ठीक है, तो ये इसका अरेंजमेंट है स्टूडेंट्स, पर बेस मैंने इस टाइप का एक न्यूमेरिकल भी किया था, तो उसमें आप लोग देखना स्टूडेंट्स, कभी कोई न्यूमेरिकल में आप ये चेक भी करेंगे। ठीक है, कि अगर यहाँ का इन दोनों का रेशियो निकालोगे, इन दोनों का रेशियो निकालोगे, ठीक है, यहाँ पर सपोज 10 ओम दे रखा है, यहाँ 5 ओम दे रखा है, यहाँ पे 10 ओम, यहाँ पे 5 ओम, अगर ये आपका इनका रेशियो और इनका रेशियो सेम आ जाएगा ना, तो इसको आपको क्या करना है, जीरो मार देना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट ही नहीं करना है, उसके बाद तो आपको क्या होगा, ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली इस ब्रांच पर करंट नहीं फ्लो करेगी, तो क्या होगा, ये और सीधे ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे, और ये भी सीरीज़ में होंगे, और दोनों के दोनों इसमें पैरेलल में होंगे, और बाकी आप लोग आराम से करंट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए कभी भी जब न्यूमेरिकल करते हो, इस टाइप के न्यूमेरिकल जब करते हो, तो उसको चेक कर लेना कि इनका रेशियो सेम तो नहीं आ रहा है, अगर सेम आ गया तो इस ब्रांच पर करंट फ्लो नहीं करेगा, बस आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको KVL रूल लगाना पड़ेगा, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ठीक है, तो ये चेक करना पड़ता है। ठीक, तो प्रिंसिपल क्या है, आईजी क्या होगा, इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा और उसका रेशियो सेम हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं इसके प्रूफ को, देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए पहले आपने केवीएल रूल पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए मैं एक लूप ले रहा हूँ, ए बी डी ए। ठीक है, तो देखिए क्या है, ए बी डी ए, ठीक है, ये वाला लूप ले लिया। ठीक है, और इस लूप मैंने क्या किया, इस सर्किट को ऐसे घुमा दिया। ठीक है, मैंने डायरेक्शन ऐसे दे दी इसकी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऐसे दे दी, तो आपको मैंने इससे पहले वीडियो बता रखा न्यूमेरिकल सॉल्व करना, तो उसके अकॉर्डिंग इसको भी एडजस्ट करेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका एक बैटरी लगी है, की है, करंट मैंने सपोज आई फ्लो कर रही है, इस सर्किट में फ्लो कर रही है, मैंने ये मान रखा। ठीक है, आई करंट फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ से आई वन जाएगी, ये आई टू जाएगी, लेकिन इन्होंने यहाँ क्या कर दिया, आई माइनस आई वन लिख दिया। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए कर रखा है। तो यहाँ सपोज आई वन जा रही है, तो यहाँ कितनी करंट फ्लो करेगी, इसमें से ही घटेगा। ठीक है, सॉरी, बड़े वाले में से, तो आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन वाली करंट यहाँ को फ्लो करेगा। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ फ्लो कर रहा है और ये यहाँ फ्लो कर रहा है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए आपको केवीएल के रूल से। तो देखिए सेम डायरेक्शन है, तो आई वन पी, आई वन पी, ठीक है, फिर ऐसे करके नीचे को, तो आई जी। अच्छा स्टूडेंट, जो गैल्वेनोमीटर था, इसका भी अपना रेजिस्टेंस होगा, तो उसको अभी मैं रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करूँगा। ठीक है, तो जी इंटू आई जी, तो जी इंटू आई जी, और उसके बाद ये ऐसे लूप ऐसे घुमा, और उसके बाद ऐसे यहाँ को वापस आ गया। ठीक है, तो उसका इसमें क्या होगा, इसमें वोल्टेज कितना होगा, क्यू इंटू आई माइनस आई वन, क्यू इंटू आई माइनस आई वन, और करंट की डायरेक्शन हमारे डायरेक्शन के अपोजिट है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन ले लिया। ठीक है, और टोटल वोल्टेज कितना है इस लूप में, जीरो, तो जीरो लिख दिया। आई बात समझ में स्टूडेंट, देखिए इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखे हैं और केवीएल रूल को थोड़ा बहुत समझा रखा है वहाँ पर, तो आप इसको समझना, उसी मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब फिर से मैं इसमें केवीएल रूल लगा रहा हूँ, ठीक है, इस वाले ब्रांच में। तो अगेन यहाँ पर लूप घुमाया मैंने, तो जो जो इसको इस डायरेक्शन में सपोर्ट करेंगे पॉजिटिव, और जो जो इस डायरेक्शन में अपोजिट होगा उसमें नेगेटिव। देखिए फर्स्ट में यहाँ से मैं घुमा रहा था, देखो आई वन माइनस आई जी, यानी करंट आई वन यहाँ आई थी, इसमें से आई जी जब यहाँ की, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसी में से I1 गेन, तो I1 माइनस IG वाले करंट यहाँ फ्लो करेगी। ठीक है, तो I1 माइनस IG के एट सेम डायरेक्शन, तो R इंटू I1 माइनस IG, तो R इंटू I1 माइनस IG। अब देखिए फिर ये लूप मैंने घुमा के ये वापस आया, तो ये करंट, ये वोल्टेज यहाँ को है। ठीक है, लेकिन मेरा डायरेक्शन ये है इसके अपोजिट में, तो यहाँ पर क्या आएगा, S इंटू माइनस का S, माइनस का S इंटू I माइनस I1 प्लस IG। ठीक है, तो I माइनस I1 प्लस का IG, और ये माइनस का आ गया। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन आएगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये कैसे आया ना, यहाँ पर ये देखो, जो ये करंट आ रही है यहाँ से, जो टूट के जो करंट आ रही है, जो आपने पार्ट कर रखा है आई माइनस आई वन, ये करंट यहाँ पहुँचेगी और यहाँ से यहाँ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आई माइनस आई वन प्लस आई जी जो थी वो करंट कौन सी, ये वाली आई। ठीक है, ये वाली करंट और ये वाली करंट दोनों मिलके ये वाली करंट यहाँ फ्लो करेगी। ठीक है, और आप देखना कि लास्ट में जब इसको और इसको जब ऐड करते हो ना, तो हमेशा आई आना चाहिए आपका आंसर। जब इसको ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर देखो, आई जी से आई जी कैंसिल आउट करेगा, आई वन से आई वन कट जाएगा, तो आई बचा मेरे पास, आई वापस चले गया।
ठीक, तो ये चीज़ करना हमको, तो दूसरा लूप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। और देखिए लास्ट और बचा है, ये घूम के फिर ये करंट, ये मैंने डायरेक्शन ऊपर को, तो एक करंट नीचे को आ रही है जो आई जी है, आई जी और जी है, और उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का आई जी इंटू जी, तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन केस ऑफ बैलेंस, बैलेंस होगा तो वीट स्टोन ब्रिज द गैल्वेनोमीटर आई जी इज इक्वल टू जीरो। अगर क्या होगा, ये अगर ब्रिज बैलेंस है, ठीक है, आपका जो वीट स्टोन ब्रिज अगर बैलेंस, तो आई जी की वैल्यू क्या लेनी पड़ती है हमेशा, आई जीरो, जो आई जी इस जो ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो, तो करंट इज जीरो लिख दिया, ठीक है। तो जहाँ पर आई जी है उसकी वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ पर जीरो कर देंगे, ये जीरो कर देंगे, ये जीरो कर देंगे, तो इन सबकी वैल्यू जीरो रख के हमारे पास इक्वेशन बनती बसती है, हमारे पास क्या बसती है, आई वन इंटू पी इज इक्वल टू क्यू आई माइनस आई वन, ठीक है। ये वाली जो नेगेटिव थी ये यहाँ रख के पॉजिटिव होगी, तो इक्वेशन नंबर वन, और यहाँ पर क्या हुआ, ये जीरो हो गया और यहाँ पे कुछ जीरो हो गया, तो ये बचा, ये भी जीरो, तो आर आर इंटू आई वन बचा, ठीक है। यहाँ पर माइनस का था, तो वहाँ जाके आ गया प्लस का, आ गया एस आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन, बाकी आई जी तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, ठीक है, आई जी में करंट फ्लो हो जाए, जीरो हो जाएगा जब बैलेंस होगा, तो ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, पी अपन आर लिखा, इसको इससे डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर क्यू अपन आ गया, तो इससे भी कैंसिल आउट कर गया, ये आई वन से आई वन कैंसिल आउट हो गया, तो जो रिलेशन आ रहा है मेरा पी अपन आर इज इक्वल टू क्यू अपन एस, और यही क्या था तुम्हारा, यही था आपका वीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। तो रेशियो सेम आता है, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है, पी नोन होता है, ये आर भी नोन होता है, ठीक है, आर को एडजस्ट करके हम आर की वैल्यू लेके आते हैं, क्यू भी नोन होता है, लेकिन एस जो होता है वो अननोन होता है, तो एस का जो फॉर्म होता है एस इक्वल टू आर अपन पी इंटू क्यू होता है, ठीक है। हम आर को एडजस्ट करते हैं और क्यू और ये नोन होते हैं, तो इनको सॉल्व करके अननोन रेजिस्टेंस का, अननोन जो कंडक्टर है, अननोन जो वायर है, उसका हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं इसमें, ठीक है। तो एस इक्वल टू आर क्यू अपन पी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका डेरिवेशन था, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।